तो मेल्स एंड फीमेल्स, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं सुपर हीरोज एंड सुपर हीरो लवर्स के बारे में। उनके बारे में बात करने से पहले मैं आज तुम्हें बता दूँ इस वीडियो में हम लोग किस किस चीज़ों के बारे में बात करेंगे। हम लोग सबसे पहले सुपर हीरो लवर्स के ऊपर बात करेंगे, नहीं सबसे पहले हम सुपर हीरोज़ के ऊपर रोस्ट करेंगे, फिर सुपर हीरो लवर्स के ऊपर रोस्ट करेंगे, फिर आजकल की दुनिया ने सुपर हीरोज़ को क्या बना रखा है उसके ऊपर रोस्ट करेंगे, और जो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था सुपर हीरोज़ के साथ होगा वो आज की दुनिया ने कर दिया है उसके ऊपर भी रोस्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं सुपर हीरोज़ के ऊपर। तो सुपर हीरोज़ की पावर क्या है? तुम कहोगे भैया स्पाइडरमैन की पावर ये है, सुपरमैन की ये है, डीसी में ये है, वो मार्वल्स में आयरन मैन की है। लेकिन नहीं, इन सब को छोड़ के इन सब के पास एक ऐसी शक्ति होती है जिनसे भैया सबको दिखाते थे कि हम लोग एक नॉर्मल लोग हैं, बस इनकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को पता होता है कि नहीं ये सुपर हीरो है, नहीं ये स्पाइडरमैन, नहीं ये वो है। भैया ये पावर के बारे में तो कभी कहा ही नहीं डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर ने, लेकिन नहीं वो है या फिर सामने वाले में शक्ति है, तुम मुझे कमेंट्स में बताओ। फॉर एग्जांपल जैसे स्पाइडरमैन की हर पिक्चर में उसकी हीरोइन को पता होता है तुम ही तो स्पाइडरमैन हो बबुआ, हम जानते हैं तो का। सॉरी मैं ज़रा भोजपुरी स्पाइडरमैन की तरफ बढ़ चुका था। वैसे यार बहुत सारे एग्जांपल्स हैं लेकिन मैं तुम्हें इस वीडियो में बता नहीं सकता, किसी और दिन मिल के बताऊँगा। तो भाई अभी उन जीव जंतु अंतु परंतु प्राणी अदर्श की तरफ बढ़ लेते हैं जिनके लिए मैं क्या कहूँ, वो हैं सुपर हीरो लवर्स। वैसे ये जो सुपर हीरो लवर्स होते हैं ना भैया, इनको सुपर हीरो की जात पात औकात सब कुछ पता होता है कि सुपर हीरो कब पैदा हुआ, सुपर हीरो को कब पावर्स मिली, सुपर हीरो ने कैसे क्या किया, आयरन मैन कैसे मरा। भैया मूवीज के बारे में भैया जितना केविन फाइगी को नहीं पता होगा, मार्वल्स के बारे में उतना ये पता करके बैठते हैं। और अगर गलती से कोई इनको बोल दे भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला याद कर ले, टेस्ट में आने वाला है, तेरे को मार्क्स मिलेंगे पूरे, भैया ये कैसे कर लूँ मैं, इससे चोर ना मूवी देख लूँ मैं, ये कर कैसे लूँ मैं। यही बच्चे बाद में भगवान को जाके बोलते हैं सूख गए भगवान क्या मुझे बचाने वाला दुनिया में कोई नहीं है भगवान। चलो भाई अभी हम लोग अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे आजकल हर लड़का सोचता है कि मेरी भी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, और हर लड़की सोचती है उस दूसरी सखी से मेरे फॉलोअर्स कम क्यों हैं इंस्टा पर, वैसे ही आजकल की दुनिया ने सुपर हीरोज के बारे में इतना कुछ सोच लिया है जो भाई मेरे जैसा वेला आदमी नहीं सोच पाया जो बैठ के बस सोचता ही रहता है। लेकिन इन लोगों के भाई लटके झटके ठुमके मटके सब कुछ एकदम ही अलग थे। जैसे कैरी मिनाटी और मैं मिलके एक कोलैब वीडियो बना रहे जो होना बहुत ही मुश्किल है। असलियत में मैं बात कर रहा था कि इन लोगों ने डेडपूल और ये जोकर के साथ वाली को एक ही फोटो में डाल दिया। भैया मार्वल का अलग धंधा है, डीसी का अलग धंधा है, मतलब सॉरी दोनों का अलग अलग प्रोडक्शन हाउस है, दोनों कभी भी साथ में नहीं मिल सकते। लेकिन यार तुम लोग मुझे ये बताओ ये जोकर के जो साथ वाली है उसका नाम क्या है? अगर ये वीडियो तुमने यहाँ तक देखी है तो भाई इस वीडियो को आगे भी पूरी देखना, लड़कियों के लिए तो कोई चक्कर नहीं है, लड़कियां तो आगे पूरी वीडियो देख सकती हैं, लेकिन लड़कों अगर तुम कमजोर दिल के हो तो ये वीडियो आगे मत देखो, क्योंकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जो फोटो आती है ना उस फोटो को देख के भाई मैं एक रात 3 घंटे 25 मिनट और 22 सेकंड नहीं सो पाया था। तुम अपना देख लो, मैं वीडियो की तरफ आगे बढ़ता हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था कि आजकल की जनरेशन ने सुपर हीरोज को क्या से क्या बना दिया, पहले लोग सुपर हीरोज को क्या मानते थे, अभी वो सुपर हीरोज को इनने पता है क्या बना दिया, ये देखो सुपरमैन से ज्यादा मुझे तो नशेड़ी मैन ज्यादा लग रहा है। अभी तुम लोगों को ये नशेड़ी मैन ज्यादा लगा या फिर सुपरमैन ज्यादा लगा या फिर पिटा हुआ मैन लगा, तुम लोग मुझे कमेंट में बताओ, मुझे तो ये ज्यादा नशेड़ी मैन लगा है। तो लड़कों अभी वो समय आ चुका है जिसके कारण मेरा दिल टूट गया था, तुम्हारा पता नहीं क्या क्या टूट सकता है। तो भाई वो चीज है ये बुड्ढी वंडर वुमन। नहीं यार ये मतलब इतनी सुंदर औरत को या फिर सॉरी इतनी सुंदर हीरोइन को कोई बुड्ढा कैसे बना सकता है यार, बुड्ढी होके भी उतनी खराब नहीं दिखेगी यार। ये चीज फिर से देख के मैं एकदम दुखी हो चुका हूँ, इसलिए मैं और नहीं बोल सकता। अगर ये तुमको वीडियो अच्छी लगी हो तो भी भाई तुम लोग शेयर नहीं करने वाले, मैं जानता हूँ, मैं भी एक बहुत बार ऐसे करता हूँ यूट्यूब की वीडियोज देखने के बाद, इसलिए मैं बोलूंगा नहीं। लेकिन यार तुम लोग सब्सक्राइब जरूर करना, पैसे नहीं मिलते लेकिन गरीब को सुकून मिलता है इतनी मेहनत करने के बाद।